गाजियाबाद में रैपिड रेल का ट्रायल लगातार हो रहा है। RRTS के फर्स्ट फेज का उद्घाटन मार्च में किया जाने की तैयारी थी, लेकिन इसको लेकर नई तिथि सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि अप्रैल में रैपिड रेल पहले फेज में दौड़ना शुरू हो जाएगी। दिल्ली से मेरठ तक रैपिड रेल को चलाए जाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इसको लेकर ट्रैक को तैयार कराया जा रहा है, एलिवेटेड और अंडरग्राउंड ट्रैक को बिछाया जा रहा है। ट्रैक को बिछाए जाने और तैयारियों का जायजा लेने यूपी के मुख्य दुर्गा शंकर मिश्रा गाजियाबाद पहुंचे। यूपी सरकार की ओर से ये योजना पर तेजी से काम पूरा कराया जाने के लिए जोर शोर दिया जा रहा है। रैपिड रेल की पटरी पर उतरने के बाद दिल्ली से मेरठ के बीच की यात्रा मिनटों में हो सकेगी। 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक रैपिड रेल की रफ्तार रहने की उम्मीद है। इससे मेरठ में दिल्ली आना जाना एकदम आसान हो जाएगा। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस इलाके में रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। योजना की समीक्षा के बाद मुख्य सचिव ने दुहाई से साहिबाबाद तक रैपिड रेल का सफर किया। दिल्ली मेरठ RRTS केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार का 30,270 करोड़ रुपए का एक जॉइंट वेंचर है। इसमें लगभग 8 लाख यात्री प्रतिदिन इस रैपिड रेल में यात्रा कर सकेंगे। DPR के अनुमान के मुताबिक ट्रेन में किराया करीब 2 रुपए प्रति किलोमीटर होगा। बाद में किराया बढ़ाने का अधिकार निजी एजेंसी को नहीं होगा। मेट्रो की तरह किराया कमेटी ही तय करेगी, जो जज की अध्यक्षता में बनती है। दिल्ली मेट्रो की 7 लाइनों पर रैपिड लाइन की कनेक्टिविटी होगी। खास बात यह है कि रेल कोच की आखिरी डिब्बे में स्ट्रेचर का इंतजाम किया जाएगा। अगर किसी मरीज को मेरठ से दिल्ली सफर करना है तो इसके लिए एक अलग कोच की व्यवस्था है, ताकि कम कीमत में मरीज को पहुंचाया जा सके। इसके साथ महिलाओं के लिए अलग कोच की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए अलग सीट्स तैयार की गई हैं, जिन्हें इस्तेमाल ना होने की सूरत में मोड़ा जा सकता है। ट्रेन यात्रा का समय केवल 55 मिनट का होगा, लेकिन सीटें बेहद आरामदायक बनाए गए हैं। ट्रेन में एडजस्टेबल चेयर है। इसके साथ ही खड़े होने वाले यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। ट्रेन में वाईफाई की सुविधा, मोबाइल USB चार्जर, बड़ी बड़ी खिड़कियां, इंटीग्रेटेड AC सिस्टम, ऑटोमेटिक डोर कंट्रोल सिस्टम, सामान रखने की जगह, ड्राइवर से बातचीत के लिए सिस्टम, डायनेमिक रूट मैप, इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे तमाम सुविधाएं यात्रियों को रैपिड रेल के कोच में देखने को मिलेंगी। CCTV, ऑटोमेटेड दरवाजे जैसे तमाम हाईटेक फीचर्स रैपिड रेल में मौजूद है। तो आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं रैपिड रेल में सफ़र करने के लिए, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।